या वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। फेस्टिवल्स इस बार उस तरह सेलिब्रेट नहीं होने वाले जिस तरह हमेशा हुआ करते थे। रक्षाबंधन आने वाला है और फेस्टिवल्स आने वाले हैं और ये कोविड जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। बट अच्छा है, जहाँ पे ग्रीन जोन है वो अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। मैं रहती हूँ जयपुर में और यहाँ पर भी कुछ इतना खास नहीं है, यहाँ पर भी रेड जोन ही है। एंड बट मेरा भाई मेरे साथ ही रहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट इट्स ओके, नेक्स्ट ईयर और धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे से करेंगे। एंड वी प्रे कि सिचुएशंस जल्दी से सही हो जाए। बट फेस्टिवल्स है, पॉजिटिविटी तो रहनी ही चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्किन केयर, हेयर केयर, वेरी सिंपल नेचुरल मेकअप लुक जिसे हम खुद घर पर करने वाले हैं। कहीं भी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। फेस्टिवल्स है तो स्किन केयर, हेयर केयर तो बनता ही है। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चम्मच मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ, उसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पतंजलि एलोवेरा जेल यूज़ किया है। कुछ इस तरह से ये पेस्ट बन जाएगा, उसके बाद इसे फेस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट यूज़ किया है जो है बेसन। बेसन सबके घरों में इजीली अवेलेबल होता है। बेसन हमारे स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है और जो भी एक्सेस ऑयल होता है उसको अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है, हमारी स्किन को ड्राई नहीं करता और बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन पर टैनिंग रिमूव करता है और जो भी अनवांटेड हेयर होते हैं उसको भी हटाता है। एंड इट वर्क्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स। हेयर मास्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बनानास लिए हैं बिकॉज मेरे बाल थोड़े से बड़े हैं। उसके बाद इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 चम्मच इसमें दही ऐड करूँगी, थोड़ा सा हनी, और लास्ट में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। अब थोड़े से इनके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो जो बनाना है वो हमारे बालों को बढ़ने में काफ़ी हेल्प करता है, जो भी हमारे डैमेज्ड हेयर होते हैं उनको भी रिपेयर करता है। योगर्ट हमारे बालों में बहुत अच्छी शाइन लाता है। कैस्टर ऑयल जो है वो नरिश करता है हमारे बालों को। हनी हमारे बालों को सॉफ्ट कर देता है। इसे कुछ इस तरह से अप्लाई करना है। 30 से 40 मिनट बाद आप नॉर्मल शैम्पू कर सकते हैं। और उसके बाद कितनी अच्छी शाइन आ चुकी है बालों में, यू कैन ईजली सी कितने सॉफ्ट सिल्की हेयर हो चुके हैं मेरे। मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखूँगी। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा मेकअप एंड मेरा आउटफिट, माई ज्वेलरी, एवरीथिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।